हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का 16 नंबर वाला क्वेश्चन। इससे पहले के 15 क्वेश्चन अपन ने पहले की वीडियो में अपलोड कर दिए, आप देख लीजिएगा। अगर उसमें कोई दिक्कत होती है आपको तो आप कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। देखो इसमें है ना, 2.2 में सारे क्वेश्चन थ्योरी वाला है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसके बाद समझना है, तब करना है। देखना, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को, मतलब प्रत्येक विनर को 100 रुपये इनाम दिया जाएगा, और विजेता को छोड़ के जो जितने भी प्रतिभागी थे उनको 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। मतलब वो विजेता नहीं है, विनर नहीं है, फिर भी है ना जितने पार्टिसिपेट किया है ना उसमें, तो उनको कितने रुपए दिए जाएंगे? 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। बांटी गई राशि और जितनी भी पूरी कुल, जैसे 100 रुपये बांटे और 25 रुपये दिए ना, उसकी कुल राशि कितनी थी यहाँ पे? 3,000 रुपये। तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है। अब पूरे कॉम्पिटिशन जितनों ने भी भाग लिया था ना, वो कितने थे यहाँ पे? 63 प्रतिभागी थे यहाँ पे। 63 प्रतिभागियों में से है ना कुछ जीते हैं और कुछ है ना हारे हैं, मतलब। पर हारने वालों को भी ना यहाँ पे क्या 25 रुपये इनाम दिया है, और जीतने वालों के लिए कितना है यहाँ पे? 100 रुपये। तो माना देखे यहाँ पे विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी, तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं, माना विजेताओं की संख्या x मान लेते हैं कि 63 में से जितने भी प्रतिभागी थे ना, कुल प्रतिभागी कितने थे? 63 में से कितने विद्यार्थी विजेता हुए? x विद्यार्थी मान लिया अपन ने, ठीक है। तो बचे हुए प्रतिभागी, क्योंकि x तो जीत गए, मतलब मान लो 6 जीते या 7 जीते, फिर बचे हुए जितने प्रतिभागी उनको कैसे देखेंगे? कि प्रतिभागियों की संख्या, मतलब जो भी प्रतिभागी बचे थे ना विजेताओं की कितनी थी? x, और प्रतिभागियों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे अपन? 63 में से विजेताओं को घटा देंगे तो उसमें बचे हुए प्रतिभागी आ जाएंगे। कुल कितने थे? 63। 63 में से विजेताओं को घटा देंगे तो प्रतिभागी आ जाएंगे। तो यहाँ पे 63 में से विजेता कौन थे? x माना था अपने, तो 63 में से माइनस x कर देंगे, जिसमें कौन से आ जाएंगे? ये प्रतिभागियों की संख्या आ जाएगी इसमें। अब देखना, विजेताओं, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको, यहां पे लिख देते हैं साइड में, ठीक है। विजेताओं की कुल राशि, देखना इस बात को समझना ध्यान से, यहाँ पे कितने विद्यार्थी विजेता थे? एक्स विद्यार्थियों को कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपए। तो उसमें इन्होंने कितनी राशि जीती है कि 100 को इन विद्यार्थियों से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे अपन करेंगे 100 × x, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100x, ठीक है। ये तो होगी विजेताओं की कुल राशि, विजेताओं ने कितनी राशि जीती 100 रुपए में? 100x। अब देखेंगे प्रतिभागियों की राशि, यहाँ पे लिखते हैं प्रतिभागियों की राशि। प्रतिभागियों की संख्या कैसे निकाली थी अपन ने? ये निकाली थी यहाँ पे कुल विद्यार्थियों में से विजेताओं की संख्या घटा दी थी, तो प्रतिभागियों की संख्या आ गई थी। अब प्रतिभागियों ने कितने रुपए जीते थे? 25 रुपए पुरस्कार में दिए जा रहे थे उनको, तो 25 से गुणा कर देंगे प्रतिभागियों को। तो यहाँ पे 25 × प्रतिभागी कितने थे यहाँ पे? 63 − x, ठीक है। आई बात समझ में? माना विजेताओं की संख्या x है, प्रतिभागियों की संख्या कैसे निकालेंगे? 63 में से विजेताओं को घटा देंगे तो ये आ जाएगी प्रतिभागियों की संख्या, बचे हुए विद्यार्थी, मतलब प्रतिभागियों की संख्या। विजेताओं की कुल राशि x, मतलब विजेताओं ने कितने रुपए जीते 100 रुपए में, तो 100 को 1 से गुणा कर देंगे। अब फिर प्रतिभागियों की कुल राशि कैसे देखेंगे? ये प्रतिभागी है, इन्होंने कितने रुपए जीते थे? 25 रुपए दिए जा रहे थे इनको, तो 25 से इसको गुणा कर देंगे। ये हो गया 100x, यहाँ पे 25 कोष्टक 63 − x। अब इनको और इनको जो पुरस्कार दिया था, इनको दिया था 100 रुपए का पुरस्कार और इनको दिया था 25 रुपए का पुरस्कार, तो इन दोनों को जोड़ के कुल मिला के कितनी राशि हुई थी? 3,000 रुपए। तो जैसा क्वेश्चन में अपन से बोला है वैसा वैसा अपन को करना है, बस जोड़ देते हैं इनको। ये तो होगी विजेताओं की राशि और
ये हुई थी प्रतिभागियों की राशि, क्योंकि ये तो 100x तो है ना विजेताओं ने जीते थे और 25 रुपए कितने बचे हुए प्रतिभागियों को मिले थे। इन्होंने कुल मिला के कितनी राशि बांटी थी इनको, 3000 की राशि आई। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा वैसा अपन ने किया, ठीक है। अब एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं अपन के एक निबंध में प्रतिभागियों में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपए दे जाएंगे, जो भी जीतेगा उसको 100 रुपए देंगे अपन। फिर उसके बाद विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कितने रुपए का इनाम दिया जाएगा? 25, क्योंकि है ना विजेताओं को दिए जाएंगे 100 रुपए और जो बाकी के बचे हुए प्रतिभागी हैं उनको दिए जाएंगे 25 रुपए इनाम। पुरस्कार में बांटी गई राशि कितनी थी पूरी टोटल? 3000 रुपए थी। तो इसमें कुल 63 प्रतिभागियों की संख्या थी जिसमें से विजेताओं की संख्या ज्ञात करनी है अपन को। तो सबसे पहले अपन ने मान लिया विजेताओं की संख्या x है, ठीक है। और प्रतिभागियों की संख्या कैसे निकालेंगे? 63 में से विजेताओं को घटा देंगे, इसमें प्रतिभागियों की संख्या आ जाएगी बचे हुए प्रतिभागियों की। तो 63 - x हो गया। विजेताओं को कितने रुपए दे रहे थे अपन? 100 रुपए। तो 100 से विजेताओं को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 × x 100x। प्रतिभागियों को कितने दे रहे थे अपन? 25 रुपए। तो 25 से प्रतिभागियों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 + 63 - x। इन दोनों ने मिलाकर कुल कितनी राशि जोड़ी थी? 3000। बोला ना इसमें 100 रुपए दिए और 25 रुपए पुरस्कार में दिए ना, टोटल कितने रुपए हुए थे? 3000। तो ऐसे जोड़ दिया अपन ने 100x + 25 + 63 - x = 300। अब देखना इसको अपन समीकरण बन गया और इसको हल करना है। यहाँ पर क्या करेंगे अपन? सबसे पहले 25 का भाग दोनों पक्षों में देंगे, इस पक्ष में भी 25 का भाग देंगे और इसमें भी 25 का भाग दे देंगे। लिख देंगे यहाँ पे 25 का भाग देने पर दोनों पक्षों में देने पर कोष्टक लिख देंगे 100x + 25 - x = 3000, ठीक है। यहां पे भी देंगे 25 का भाग 25 का और यहां पे देंगे 25 का भाग, मतलब दोनों पक्षों में 25 का भाग देने पर। अब देखना 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, 25 से 25 कट जाएगा और 25 से 3000 कटेगा 120 बार। 25 के बारे में 3000 कितनी बार कटेगा? 120 बार। लिख देते हैं अपन यहां पे बचा था 4x + 63 - x = 120, ठीक है। देखना यहाँ पे अब इसको कोष्टक को खोल लेते हैं अपन। 4x में से x गया तो कितने बचे यहाँ पे? 3x + 63 = 120। यहाँ पे 63 प्लस का है, इधर भेजते किस में हो जाएगा? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3x = 120 - 63। 3x = 120 में से 63 गए तो कितने बचे यहाँ पे? 57। और यहाँ पे x बराबर यहाँ पे 3 गुणा में, इधर जाते किस में आ जाएगा भाग में? 57 था यहाँ पे, 57 में 3 का भाग दो, 57 में 3 के पहाड़े में 57 आएगा 19 बार। तो जीते हुए विजेताओं की संख्या कितनी थी? x = 19। एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं, माना विजेताओं की संख्या x थी और बचे हुए प्रतिभागियों की संख्या कितनी हुई? 63 - x, ठीक है। इन्होंने इतने रुपए जीते और इन्होंने इतने जीते, इन दोनों को जोड़ के टोटल राशि कितनी थी? 3000 रुपए। 3000 के बाद में अब देखना ये समीकरण बन गई थी, अब इसको हल करना है अपन को। हल करना है तो कैसे करना है? इसको हल करना था तो यहाँ पे 25 का भाग दोनों पक्षों पर देने पे, इसके भी 25 का भाग देंगे, इसमें भी देंगे और इसमें भी देंगे 25 का भाग दोनों पक्षों में देने पे। देखना 25 के बारे में 100 कितनी बार कटेगा? 4 बार। 25 से 25 एक बार कट जाएगा, 25 से 3000 कटेगा 120 बार भाग देने पर। अब यहाँ पे जो बचता है वो अपन लिख देते हैं यहाँ पे 4x - 63 - x = 120। अब यहाँ ध्यान से देखना 4x और x, यहाँ पे 4x प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है। 4x में से x गया तो कितने बचे? 3x, 63 प्लस के बराबर 120। यहाँ पे 63 प्लस का है, इधर जाते किसमें हो जाएगा? माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3x = 120 - 63। 3x = 120 में से 63 गए तो 57, 3x = 57। यहाँ पे 3 गुणा में, इधर जाते किसमें हो जाएगा? भाग में। तो x = 57/3।
तीन के बारे में 57 कितनी बार आता है, 19 बार। तो x बराबर कितना आ गया, x का मान 19। तो इसमें आंसर आता है कि माना विजेताओं की संख्या x थी, तो x बराबर 19। तो कितने विद्यार्थी थे, कितने विजेता थे, 19 विजेता थे। 63 प्रतिभागियों में से 19 विजेता थे, जिनको 100 रुपए इनाम के रूप में दिए गए। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है आपको तो एक बार समझना और है ना पढ़ना, पहले है ना थ्योरी को पढ़ना, फिर उसके बाद में सवाल को समझना और उसके बाद करना।